नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब से 4 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को विश्वनाथन आनंद जी का 50वां जन्मदिन है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उनके ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं, तो आज मैं वो गेम लेकर के आया हूं जो जिसके लिए मैं भी बहुत दिनों से एक्साइटेड था। इस मैच को खुद विश्वनाथन आनंद जी ने अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ मुकाबलों में से एक कहा है, और मुझे तो सर खैर उनका सबसे बेहतरीन मुकाबला लगता है। इसे सदी के महान खेलों में भी शामिल किया गया जो शतरंज के खेले गए, और इस गेम के हमने जो एनोटेशंस यूज किए हैं, मैंने जो स्टडी किया वो विश्वनाथन आनंद जी के जो खुद के एनोटेशन से हमने उसको यूज किया है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है उसमें एनोटेशन पे विश्वनाथन आनंद जी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उनके एनोटेशन के थ्रू ही मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस दिन वो क्या सोच रहे थे और क्या उन्होंने खेला इस मुकाबले में। तो आइए देखते हैं ये बेहतरीन गेम, और यकीन मानिए ये गेम आपका भी फेवरेट बन जाएगा आज देखने के बाद। ओके, तो बात करते हैं। मैच शुरू हुआ D4 में। आनंद खुद कहते हैं कि ये मैच है टाटा स्टील विस्कॉन्सिन जो टूर्नामेंट होता है 2013 के एडिशन का मुकाबला था, और ये चौथा राउंड था। इससे पहले तीसरे राउंड में विश्वनाथन आनंद जी ने फेबियानो करवाना को हराया था, तो आनंद बहुत अच्छे मूड में थे। अब आनंद यहाँ पे ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, तो D4 D5 C4 C6 Nf3 Nf6 Nc3 E6, तो ये सेमी स्लाव ओपनिंग विश्वनाथन आनंद जी ने खेली, और जवाब जो एरोनियन ने दिया E3 वो मोस्ट लाइकली यही खेलते आए, तो ये कोई आनंद जी के लिए सरप्राइज नहीं था। इस पोजीशन में आनंद खुद कहते हैं कि उन्हें अंदाजा था कि एरोनियन ये खेल सकते हैं। ओके, नाइट Bd7 बिशप D3 D into C4, तो हम जब भी जानते हैं कि बिशप जब भी बाहर आता है उसी समय हम D into C4 मारते हैं इस ओपनिंग में, क्योंकि हम यहाँ पर एक दो टेम्पो गेन करते हैं। जैसे बिशप Into C4, बदले में जब आप D5 से पॉन देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपोनेंट को सेंटर देते हैं, लेकिन यहाँ पर गेन कैसे होता है, आप तो एक तो C4 से टेम्पो गेन हुआ, दूसरा B5 से बिशप D3, और यहाँ पर आनंद ने जो खेला वो थी उनकी प्रिपरेशन, उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D6। ओके, जवाब दिया कासल क्वीन C2 एंड विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर खेलते हैं बिशप B7, तो जो मेन लाइन है यहाँ पर A3 जो है वो खेला एरोनियन ने। अब यहाँ पर ब्लैक का आइडिया डेफिनेटली होता है कि ब्लैक यहाँ पर B4 करेगा एक बार, और आपका जो काउंटर प्ले के चांसेस हैं उसको स्टॉप करेगा, और उसके बाद वो सेंटर से खेलना शुरू कर देगा। ओके, अब यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी एक लाइन तैयार की थी जो कि उन्होंने बोरिस गेलफेंड के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के लिए तैयार की थी, तो उन्होंने यहाँ पर खेला वो जो तैयारी थी उनकी, आनंद ने खेला रुक C8। ओके, और आनंद ने कहा कि ये गेम, ये जो मूव थी ये एक्चुअली में अमेजिंग मूव थी। नॉर्मली यहाँ पर इस तरह से खेला जाता है A6 नाउ नाइट G5, तो आप देखिए कि H7 पर अटैक है, तो अगर इस तरह से वेरिएशन आता है तो बिशप Into H2 किंग H2 नाइट G4 चेक किंग G1 क्वीन Into G5 और यहाँ पर F3 करके जो है वो मैच चलते हैं, ये खत्म नहीं होता है मैच, चलता है काफी। ओके, तो खैर हम उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विश्वनाथन आनंद जी ने खेला यहाँ पर रुक C8। ओके, एरोनियन यहाँ पर B4 करके खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी आनंद जी की तैयारी थी और वो थी C5 खेलने की। ये भी बहुत ही रोचक है कि कैसे C5 यहाँ पे खेला जा सकता है, देखने में लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि B into C5 के बाद मूव आता है बिशप Into F3 G into F3 एंड नाउ नाइट Into C5। ये जो है सेक्रीफाइस जो है आफ्टर Dc5 रुक Into C5, यहाँ पर जो पीस दिया हुआ है वाइट ने वो पूरी तरह से कंपनसेट यहाँ पर होता है, क्योंकि किंग की जो वीकनेस है उसकी वजह से। ओके, और ये जो पीसेस यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है ब्लैक के, उसकी वजह से वाइट के एक्टिव होते हैं उसके, तो इस पर भी हम डिटेल में जाएंगे कभी, बट अभी जो मैच में बताता हूँ आपको क्या हुआ। तो नाइट G5 खेला यहाँ पर एरोनियन ने। ओके, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने जो चाल खेली जो उनकी पहले से ही प्रिपरेशन थी, और वो थी उन्होंने खेला C5। मतलब यहाँ पर वाइट जो है वो एक, ब्लैक जो है वो एक पॉन सेक कर रहा है, वाइट को ऑप्शन है पॉन मारने का। ओके, नाइट Into H7 ये एरोनियन ने खेला। विश्वनाथन आनंद जी ने जवाब दिया यहाँ पर जो एरोनियन के लिए उस समय चौंकाने वाला था। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो नॉर्मल, अगर आप चाहो तो नाइट Into H7 मार लेना जो है वो एक नॉर्मल लाइन है जो कि ब्लैक सेक्रीफाइस करता है पॉन बदले में अपने दो बिशप के एक्टिविटी के लिए, लेकिन विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पे नाइट को नहीं छुआ। और उनका भी देखिए कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इसको मारना फोर्स है क्योंकि यहाँ पर रुक आपका एक्सचेंज दाव पे लगा हुआ है, पर विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर जवाब दिया नाइट G4, और ये थी उनकी तैयारी। और यहाँ पर एरोनियन जो है वो फंस गए, और यहाँ पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि आप देखिए कि आनंद के दो बिशप
दोनों के दोनों बिशप कितने डेंजर नजर आ रहे हैं। नाइट जी फोर पर हमेशा डेंजर होता है, खासतौर पर जब अगली चाल में क्वीन जी फोर आने की आपको यहाँ पर संभावना नजर आ रही हो। तो अचानक से ब्लैक का जो अटैक है वो बहुत ही अग्रेसिव हो गया, तो अरोनियन ने यहाँ पर काफी टाइम लिया। और यहाँ पर एक्चुअली जो सबसे सही चाल थी वो थी एच थ्री। यहाँ पर आनंद का खुद का जो एनोटेशन से मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो आनंद के हिसाब से ये सबसे सेफ था, लेकिन ये ढूंढना बोर्ड के ऊपर मुश्किल था। और अरोनियन ने बाद में इस पर बात भी की, हाँ ये शायद सबसे बेहतर था, क्योंकि इस पर अगर जो विश्वनाथन आनंद जी ने वेरिएशन दिया है उस वेरिएशन को कंटिन्यू करते हैं। बिशप एच टू चेक, किंग एच वन, नाउ क्वीन एच फोर आ रहा है। अभी आप बिशप को भी नहीं मार सकते हो, नाइट को भी नहीं मार सकते हो, तो यहाँ पर सही चाल होगी इस बिशप को रोकना, क्योंकि क्वीन इंटू एच थ्री आ रहा है नेक्स्ट मूव में। अदरवाइज आप देख सकते हो इस ये, क्योंकि यहाँ पर पिन है तो क्वीन इंटू एच थ्री आ रहा है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स मूव है बिशप ई फोर। सो नाउ बिशप इंटू ई फोर, क्वीन इंटू ई फोर एंड नाउ एफ फाइव, क्वीन इंटू ई सिक्स, किंग एच सेवन, क्वीन इंटू डी सेवन, सी इंटू डी फोर, ई इंटू डी फोर, बिशप बी एट वापस लाए, नाउ किंग जी वन, सो बिशप एच टू चेक। तो ये जो है ये ड्रॉ हो सकता था, इस तरह से ड्रॉ खेला जा सकता था। ओके तो खैर अरोनियन इसको बोर्ड पर नहीं ढूंढ पाए, और अरोनियन ने नाइट जी फोर के बाद जवाब दिया एफ फोर, तो ये पहली गलती अरोनियन से हो जाती है। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी लिखते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन भूल गए थे, तो इसके बाद उनको ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। बट आनंद कुछ सोच रहे थे कि किसी पोजिशन में नाइट अगर डी थ्री तक पहुंचता है तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने जो अगली चाल खेली वो थी, पहली बात तो ये नेचुरल है, सी टू डी फोर बहुत ही नेचुरल मूव है, अपने रुक को एक्टिवेट कर रहे हैं, पॉन को अलग अलग कर रहे हैं और सेंटर को तोड़ रहे हैं व्हाइट के, तो ये नेचुरल मूव यहाँ पे खेला ई टू डी फोर। और यहाँ पर आनंद जी ने सोचना शुरू किया, वहां पे वो सोच रहे थे कि ई फाइव चलें क्या, नाइट डी फाइव चलें क्या, और इतने में और क्वीन एच फोर के बारे में भी उन्होंने बहुत सोचा। एंड सडनली आनंद को एक ब्रिलियंट मूव जो है वो मिल गया बोर्ड के ऊपर, और वो ब्रिलियंट मूव था बिशप सी फाइव। ये बहुत ही सडनली एक बिशप जो काम नहीं कर रहा था ये अचानक एक्टिवेट हो जाता है, इसको आप मार नहीं सकते हैं डी इंटू सी फाइव, क्योंकि आप देखिए रुक इन नाइट इंटू सी फाइव के बाद पहली बात तो आपका पॉन एक हमने ले लिया, दूसरा अभी वो बिशप पे अटैक है और बिशप के सपोर्ट पर ही आपका नाइट रखा हुआ है बिशप और क्वीन के, तो अगर वहां पे एक्सचेंजेस होंगे तो नाइट को भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो थ्रेट आ रहा है, डायरेक्ट थ्रेट आ रहा है, आप इसको बचा नहीं सकते, वो थ्रेट है क्वीन डी फोर, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए बिशप ई टू खेलते हैं तो देखिए क्या होगा, क्वीन डी फोर, किंग एंड देन नाइट एफ टू, तो अगर आप रुक इनटू एफ टू मारेंगे तो क्वीन एफ टू, और अभी जी टू पे मेट नहीं रुक रही है क्योंकि आप देखिए कि क्वीन हैंगिंग है तो बिशप से आप सपोर्ट नहीं दे सकते, वरना क्वीन जो है वो वहां पर मतलब खेल खत्म हो रहा है और पीछे से भी बैक रंग भी लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर और डेफिनेटली इतना तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आप किंग जीवन नहीं खेल सकते, वरना स्मूथ हर्ड मेट हो जाएगी। नाइट एच थ्री चेक एंड बैक चेक चेक एंड ये मेट हो जाएगी, तो बिशप ई टू तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर क्या खेलना पड़ता है, यहाँ पर खेलना पड़ता समथिंग लाइक अगर खेलते हैं नाइट इंटू एफ एट, सो नाइट इंटू डी थ्री, और अब फिर से क्वीन डी फोर चेक आ रहा है, सो यहाँ पर बचने के लिए एच थ्री करना होगा। देखिए आप बिशप भी नहीं ला पाते हैं, वो भी देखिए बिशप ई थ्री वगैरह भी नहीं आ रहा है, सो चेक किंग एच वन, नाइट एफ टी डी टू, रुक इंटू एफ टू, नाइट एफ टू चेक, किंग एच टू, किंग इंटू एफ एट, क्वीन एच सेवन, ये पूरा वेरिएशन विश्वनाथन आनंद जी ने लिखा हुआ है। नाइट डी थ्री चलता ब्लैक, सो नाउ क्वीन एच एट चेक, किंग ई सेवन, क्वीन एच फोर चेक, एफ सिक्स, क्वीन जी थ्री और किंग एफ सेवन, और आनंद लिखते हैं कि पोजिशन इक्वल जैसी यहाँ पर होती। ओके तो बट ये काफी लंबा था और बोर्ड पे इस तरह से ढूंढना कि ये पूरा वेरिएशन सही सही निकल आएगा मुश्किल था, तो बिशप सी फाइव एक गुड मूव आया। और यहाँ पर पहली गलती करते हैं अरोनियन, अरोनियन यहाँ पे खेलते हैं बिशप ई टू, और आनंद लिखते हैं कि ये एक्चुअली में सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मतलब अभी तक की जितना गेम हुआ उसमें। और अगली जो चाल आती है वो है बिशप यहाँ पर जो थी वो सबसे ब्रिलियंट मूव जिसको विश्वनाथन आनंद जी ने कहा अपने मैच की, नाइट ई डी ई फाइव। प्रॉब्लम ये है कि आप इस नाइट को मार नहीं सकते हैं, आप देख सकते हैं क्वीन इन टू डी फोर चेक, किंग एच वन, और वही स्मूथर्ड मैट लगी हुई है, किंग जी वन चेक, क्वीन जी वन चेक, रुक जी वन और नाइट एफ टू चेक मेट। तो इस जो मूव आई यहाँ पर नाइट डी ई फाइव, इसने पूरा जो खेल है यहाँ पर अरोनियन जो है समझ ही गए थे कि ये तो गेम जो है लग रहा है हाथ से गया अभी। और यहाँ पर अरोनियन ने बहुत सोचना शुरू कर दिया, बहुत सोचने के बाद उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने सोचा कि नाइट को तो मार नहीं सकते, इस नाइट को मार सकते हैं ताकि वो जो मेट है उसको रोका जा सके कम से कम थोड़ी देर के लिए। तो विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पे पहले खेला बी डी फोर चेक, पॉन लिया, किंग एच वन एंड नाउ नाइट इंटू जी फोर। अब देखिए फिर से क्वीन एच फोर आ रहा है,
यहाँ पर अरुणियन ने खेला यहाँ पर नाइट एफ एट। ओके, यहाँ पर आनंद ये भी कहते हैं कि ब्लैक का जो अटैक है वो बहुत तेज नहीं होगा अभी आने वाली चालों में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट उसको रोक नहीं सकता है बिकॉज ऑफ जी फोर का नाइट और ये जो डबल बिशप है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आनंद ने खेला एफ फाइव। ओके, एफ फाइव एक इंपॉर्टेंट मूव इसीलिए है, और इस पर विश्वनाथ नारायण जी कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सोचा बहुत ज्यादा देर, क्योंकि मुझे क्लियर था कि इस क्वीन को बस मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट लगाने से रोकना है और अंदर आने वरना नाइट जी सिक्स और एच जी सिक्स और एफ जी सिक्स और क्वीन जी सिक्स की एंट्री हो सकती है और ये नाइट जो है वो कहीं भाग नहीं सकता, ये बिल्कुल क्लियर था विश्वनाथन आनंद जी के लिए। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर इस तरह से मूव नहीं खेल सकते जैसे नाइट ई सिक्स, क्योंकि क्वीन एच फोर के बाद मेट ही नहीं रुकेगी। आप देख लीजिए जी टू मूव हो नहीं सकता, एच टू पर यहाँ पर आपको आप देखिए कि मेट लगी हुई है, तो अगर आप ओनली मूव चलेंगे एंड देन यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी। तो उन्होंने खेला यहाँ पर अरुण ने नाइट जी सिक्स, तो विश्वनाथन आनंद जी ने खेला क्वीन एफ सिक्स। आप देखिए ब्लैक धीरे धीरे जा रहा है अभी अटैक करने के लिए, लेकिन व्हाइट इंप्रूव नहीं कर पा रहा है अपनी पोजीशन कुछ भी यहाँ पर। तो अरुणियन यहाँ पर खेलते जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट ई फाइव खेलते, तो यहाँ पर आप पॉज करिए और सोचिए विश्वनाथन आनंद जी की तरफ से क्या चाल आती। यहाँ पर बेहतरीन चाल आ रही थी वो थी नाइट इंटू एच टू और फिर ये जो है गेम खत्म हो जाता। आप चाहिए तो इसको पॉज लगा के पॉज करके सोचिएगा बोर्ड पर लगा के। तो यहाँ पर अरुण ने जवाब दिया एच थ्री, तो विश्वनाथन आनंद जी ने खेला क्वीन इनटू जी सिक्स। आप यहाँ पे देखिए कि आप इस नाइट को मार नहीं सकते हैं वरना चेकमेट हो जाएगी एच फाइव से। तो अब यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने जब खेला क्वीन जी सिक्स तो जवाब दिया अरुण ने क्वीन ई टू, तो विश्वनाथन आनंद जी ने अगली चाल खेली क्वीन एच फाइव। अब मेट लगी है क्वीन इनटू एच थ्री एंड चेकमेट लगी हुई है, तो इसको रोकने के लिए खेलना पड़ा क्वीन डी थ्री। एक्चुअली में आनंद कहते हैं कि यहाँ पर फोर्स था रुक एफ थ्री खेलना, मिनिमम ये खेलना ही चाहिए था क्योंकि रुक इन टू एफ टू। अब यहाँ पर अभी भी देखिए आप ये नहीं मार सकते हो वरना क्वीन एच थ्री किंग एच वन और इस तरह से चेकमेट हो जाएगी क्वीन जी टू। तो यहाँ पर खेलना पड़ता नाइट एफ टू के बाद किंग एच टू एंड देन बिशप इन टू एफ थ्री क्वीन इन टू एफ थ्री इवन क्वीन इन टू एफ थ्री जी इन टू एफ थ्री बिशप इन टू सी थ्री एंड रुक सी थ्री एंड दिस इज ऑल्सो विनिंग फॉर ब्लैक। तो ये विनिंग काले के लिए जीतना होता। तो खैर फिर भी पर उन्होंने जो और खराब चाल खेली उन्होंने खेला क्वीन डी थ्री। अब आपकी चाल है, आप पॉज करिए और सोचिए कि विश्वनाथ आनंद जी ने जो आखिरी चाल खेली जिसके बाद अरुणन ने रिजाइन कर दिया और वो चाल थी बिशप ई थ्री। अब फिर से क्वीन इंटू एच थ्री आ रहा है, आप बिशप इंटू अगर आप मारने के लिए जाएंगे ई थ्री तो क्वीन एच थ्री एंड क्वीन जी टू चेकमेट है। आप देख सकते हैं आप बिशप से तो मार नहीं सकते वरना चेक और ये नॉर्मल चेकमेट हो जाएगी। क्वीन से आप मारने जाएंगे तो आपका क्वीन ही चला जाएगा नाइट इन टू ई थ्री। तो ये वो स्थिति थी जहां पर और उसके बाद भी चेकमेट ही है। तो ये स्थिति पर अरुणन ने जो है वो रिजाइन कर दिया और विश्वनाथ आनंद जी के ने इस गेम को अपने सबसे बेहतरीन गेम में शामिल किया। तो एक बार मैं क्योंकि एक स्पेशल गेम है मैं एक बार आपको एक हाईलाइट दिखाता हूँ क्या हुआ इस मैच में। यहाँ पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट था मूव नंबर जो यहाँ पे आता है, जो पहला प्लान था विश्वनाथन आनंद जी ने तैयार किया था वो था रुक सी एट गर्लफ्रेंड के लिए तैयार किया था आफ्टर नाइट जी फाइव। यहाँ पर जो दूसरा गुड मूव था वो था सी फाइव ताकि एच सेवन का पॉन देना और थ्रेट था नाइट जी फोर। तो ये दूसरा गुड मूव था जिसको सरप्राइज जिसने सरप्राइज किया अरोनियन को। एफ फोर उन्होंने खेला एस थ्री खेल सकते थे लेकिन इसके बाद विश्वनाथन जी ने की का जो अगला गुड मूव आया वो था बिशप सी फाइव और जब बी टू खेल दिए और उसके बाद जो सबसे ब्रिलियंट गेम सबसे ब्रिलियंट मूव जिसको खुद विश्वनाथन आनंद जी ने काउंट किया वो था उनका नाइट ई फाइव और जिसके बाद जो है गेम खत्म हुआ। जैसा कि हमने देखा किस तरह से गेम आगे बढ़ा और ज्यादा कुछ खास यहाँ पर अरोनियन कर ही नहीं पाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट मूव था एफ फाइव जो कि अपोनेंट का काउंटर प्ले रोकना भविष्य देखते हुए और दूसरा ये समझ जाना कि गेम कितना स्लो चल रहा है जहाँ पर वाइट ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो और उसके बाद तो फिनिश तो खैर बहुत शानदार हुआ यहाँ पर हम जैसा देख सकते हैं खासतौर पर एक और शानदार मूव बिशप ई3। तो यहाँ पर बहुत सारी शानदार मूव इस गेम में आई। विश्वनाथ आनंद जी खुद कहते हैं कि ये गेम से उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। अगला दिन रेस्ट डे था तो ये एक बेहतरीन रेस्ट डे के पहले एक बेहतरीन जीत विश्वनाथ आनंद जी के खाते में आई थी। तो दोस्तों जन्मदिन है हमारे विश्वनाथ आनंद जी का, 50 वर्ष पूरे करने वाले हैं अब से 4 दिन बाद। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लगातार उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और भी आने वाले दिनों में हम उनके ऊपर जो है आप तक जो है कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। तो देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।